पाकिस्तान के प्रमुख आउटराइडर शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में 2022 आईसीसी पुरुष विश्व कप T20 में चोट से वापसी करेंगे, जब पाकिस्तान ने गुरुवार को प्रतियोगिता के लिए अपने 15 सदस्यीय रोस्टर की घोषणा की। लंदन में घुटने की चोट से उबर रहे शाहीन अगले महीने की शुरुआत में गेंदबाजी में वापसी करेंगे और 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में टीम से जुड़ेंगे। रोस्टर में शान मसूद भी शामिल थे, जो अभी तक एक T20 में पाकिस्तान के लिए नहीं खेले हैं, और हैदर अली, जो आखिरी बार दिसंबर 2021 में प्रारूप में खेले थे। मसूद को मजबूत प्रदर्शन के बाद पहली बार T20 के साथ खेलने के लिए बुलाया गया था। इंग्लिश T20 ब्लास्ट। इस साल दक्षिण पूर्वी ने 7 T20 खेले हैं, जिसमें 13.71 के औसत से 96 अंक बनाए हैं। काफी अटकलों के बावजूद अनुभवी शोएब मलिक को टीम में वापस नहीं बुलाया गया है। वसीम जूनियर को 2022 एशियाई कप के दौरान हुए साइड लोड से पूरी तरह से उबरने के बाद भर्ती कराया गया था। इन खिलाड़ियों ने नवंबर 2021 से अच्छा प्रदर्शन किया है, यही वजह है कि हमने अपने पिछले 13 T20 में से 9 जीते हैं। हमने इन खिलाड़ियों में निवेश किया है क्रिकेट, और यह उनके लिए सही है कि उन्हें विश्व कप में अपना साहस दिखाने का अवसर मिलेगा। एक ऐसी घटना जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है और कड़ी मेहनत की है, हेड सॉर्टर मोहम्मद वसीम ने बोर्ड के एक बयान में कहा। हमारे पास एक टीम है जो 2022 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में जोरदार प्रदर्शन कर सकती है। यही कारण है कि हमने लगभग उसी समूह के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और आत्मविश्वास दिखाया है जो संयुक्त अरब अमीरात में 2021 विश्व कप के बाद T20 रोस्टर का हिस्सा थे, विश्व कप के चयन के चयनकर्ता ने कहा। उन्होंने कहा, हमें इन खिलाड़ियों के लिए निरंतरता और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता थी और ठीक यही हमने किया। खिलाड़ियों को उनके पहले कॉल अप पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा, शान मसूद के साथ मैं आमिर जमाल और अबरार अहमद को उनका पहला कॉल अप जीतने के लिए बधाई देना चाहता हूं।